नमस्ते एंड वेलकम बैक। डिशवॉशर के रिव्यू को लेकर मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा था, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे मेरे डिशवॉशर इंस्टॉल किया है, किस तरीके से मैं उसे यूज करती हूँ एंड उसके साथ साथ वो सारी कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगी जिसके वजह से आप अभी तक डिशवॉशर खरीदने से झिझक रहे हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं देन नमस्ते, मैं हूँ अमृता, वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग डीआईवाई एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है देन प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल है वो है, क्या इंडियन किचन के लिए सच में डिशवॉशर की जरूरत है? इंडियन क्विजिन में बहुत सारे तेल घी मसाला यूज किया जाता है, क्या सच में डिशवॉशर वो सब कुछ अच्छे से क्लीन कर सकता है? ये दोनों सवाल का जवाब ही हाँ है। हाँ, आपको एक डिशवॉशर की जरूरत है, और आप खाने में जितना भी ऑयल घी एंड मसाला यूज क्यों ना करें, डिशवॉशर वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकता है। तो हर बार हाइजीनिकली क्लीन बर्तन पाने के लिए यू हैव टू हैव अ डिशवॉशर। मैं यूज करती हूँ बॉश का 13 प्लस सेटिंग डिशवॉशर। ये डिशवॉशर 4 to 5 मेंबर फैमिलीज के लिए परफेक्ट है। प्राइस था इसका 45,000 के आसपास। अगर डिशवॉशर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि डिशवॉशर की साइज एक वॉशिंग मशीन जैसा ही है, सिर्फ लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा है। डिशवॉशर सिर्फ और सिर्फ सामने से ओपन होता है, तो आपको डिशवॉशर के आगे थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट, ऑब्वियसली आपको एक प्लग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर डिशवॉशर के पास कोई भी प्लग पॉइंट नहीं है तो आप इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड से काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक सामान की शॉप से आपको इस तरह की एक्सटेंशन स्विच बोर्ड लेना पड़ेगा। मैं एक साल से इसी तरीके से डिशवॉशर यूज़ करते आ रही हूँ, अब तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर इनलेट की। अगर आपके पास एक ही वाटर इनलेट है और उसमें वॉशिंग मशीन लगा हुआ है तो उधर आप इस तरह की ड्यूअल टैप लगा सकते हैं। आपका प्लम्बर को ये पता होगा, बाथरूम फिटिंग्स की दुकान में ये मिल जाता है। मेरे घर में इधर वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर का इनलेट पाइप एक साथ लगा हुआ है एंड टिल डेट आई डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम। अभी चलिए बॉश डिशवॉशर का कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इस डिशवॉशर में 2 ट्रॉली है। ऊपर वाला ट्रॉली में छोटा मोटा हल्का बर्तन रखा जा सकता है और नीचे वाला ट्रॉली में भारी यूटेंसिल्स रखना है। ट्रॉली में कुछ फिक्स सेपरेटर है और कुछ फ्लेक्सिबल सेपरेटर है जिसे आप क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। मैं एक छोड़ के बाकी सब फोल्ड करके रखती हूँ। ऊपर वाला ट्रे में भी एक फोल्डिंग रैक है, इसके ऊपर भी आप छोटा मोटा कटोरीज अरेंज कर सकते हैं। इसमें मैं कटलरी डाल के रखती हूँ। जो सेपरेट कटलरी बॉक्स दिया गया है उसे मैं यूज नहीं करती हूँ, वो बेकार में स्पेस ले लेता है। इसमें 2 फैन ब्लेड है जो नीचे से वाटर स्प्रे करता है, इसलिए बर्तन जब प्लेस करेंगे तो हमेशा अपसाइड डाउन रखना है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं धुलेंगे। यूटेंसिल्स अरेंज करने के बाद एक बार ये फैन ब्लेड को स्पिन करके देखना है ताकि ये कहीं पे अटक ना जाए। यूटेंसिल्स ट्रॉली में व्हील्स दिया हुआ है, इसलिए ट्रॉली पुल करना बहुत आसान है। ट्रॉली के हाइट एडजस्टेबल भी है। ये फिल्टर है जिसको आपको कभी कभी साफ करना पड़ेगा। इधर 2 एरोज है, ये 2 एरोज जब एक साथ होता है तब ये फिल्टर लॉक हो जाता है। और ये है ऑपरेशनल पैनल, ये ऑन ऑफ बटन है। इसमें 6 वॉश प्रोग्राम्स एंड 3 ऑप्शंस है। अगर आप एज अ डिटर्जेंट सिर्फ टैबलेट यूज करते हैं तो ये रिफिल सॉल्ट एंड रिफिल रिंसेड ऑप्शन हमेशा रेड शो करेगा, जस्ट इग्नोर इट। मैं डिशवॉशर मेनली ऑटो मोड एंड क्विक मोड में चलाती हूँ। अगर बर्तन कम है तो हाफ लोड ऑप्शन चूज करती हूँ। वॉशिंग प्रोग्राम चेंज करने के साथ साथ मशीन का रन टाइम भी चेंज होता है। अगर पावर कट हो जाए तो मशीन जहाँ पे बंद हुआ था वहीं से रिज्यूम करता है और आप इसे इन्वर्टर में नहीं चला सकते। प्रोग्राम सेट करने के बाद आपको मशीन स्टार्ट करना है। तो इन अ नटशेल ये है बॉश डिशवॉशर का फीचर्स।
को लेकर, क्या टैबलेट यूज करना अच्छा है या फिर सॉल्ट डिटर्जेंट रिंसेट अलग से यूज करना चाहिए, कहाँ मिलता है, प्राइस क्या है, और अगर हम लोग टैबलेट यूज करेंगे तो उसके साथ क्या अलग से सॉल्ट वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डिटर्जेंट है, अगर आप टैबलेट लो या फिर सॉल्ट डिटर्जेंट ये सब अलग से लोगे तो सब कुछ आपको ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ेगा। ऑफलाइन मुझे ये सब कहीं पे नहीं मिला, मैं हमेशा ऑनलाइन ही परचेस करते आई हूँ। एक्चुअली डिश वॉशर में एज अ डिटर्जेंट 3 डिफरेंट सब्सटेंस की यूज किया जाता है, जैसे कि सॉल्ट डिटर्जेंट एंड रिंसेड। ये 3 सब्सटेंस डालने के लिए 3 अलग अलग कंपार्टमेंट है। मैं शुरू से ही फिनिश का टैबलेट यूज करती हूँ। इसमें सॉल्ट डिटर्जेंट रिंसेट सब कुछ एक साथ दिया हुआ है। हर एक वॉशिंग साइकिल के लिए 1 टैबलेट काफ़ी है। मैं फिनिश क्वांटम यूज करती हूँ। 1 पैकेट में 60 टैबलेट आती है। प्राइस वेरी करता है 1200 से 1400 के बीच। 60 टैबलेट में 2 महीना मेरा आराम से चल जाता है, क्योंकि मैं दिन में 1 ही बार डिशवॉशर चलाती हूँ। मतलब फॉर 1 मंथ डिटर्जेंट के लिए खर्चा होता है 600 to 700 रुपीज। मैं टैबलेट्स हमेशा पैकेट से निकलकर एक कंटेनर में डाल के रखती हूँ। बर्तन लोड करते हुए डिशवॉशर गंदा हो सकता है, लेकिन आपको अलग से उसे साफ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पावरफुल डिटर्जेंट यूटेंसिल्स के साथ साथ डिशवॉशर को भी क्लीन कर देगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, हम डिशवॉशर में क्या क्या वॉश कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आयरन, एल्युमिनियम एंड चीप प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई चीजें छोड़कर आप इसमें सब कुछ वॉश कर सकते हैं। मैं इसमें सिरामिक यूटेंसिल्स, ग्लास यूटेंसिल्स, वुडन स्पैचुलस, नीचे इस तरह का कोट दिया हुआ यूटेंसिल्स, मेलामाइन डिशेस, लंच बॉक्स की प्लास्टिक लीड, स्टील वाटर बॉटल्स, किचन में स्टील से बनी हुई जो भी ऑर्गेनाइजर है, जैसे कि स्पून स्पैचुला होल्डर, कप होल्डर, ऑयल कंटेनर होल्डर, सब कुछ इसमें वॉश करती हूँ। आप फ्रिज रैक्स भी वॉश कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, वुडन स्पून एंड स्पैचुला डिशवॉशर में वॉश करने के बाद ऑयल कोटिंग जरूर करें, नहीं तो वो फट जाता है। चलिए देखते हैं ये सब साफ हुआ कि नहीं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है, क्या डिशवॉशर में लोड करने से पहले बर्तन को पानी से धोना पड़ता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो कंसेप्ट है ना, ये डिशवॉशर को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर पहले बर्तन को धोना ही है तो 50,000 का मशीन खरीदूंगी क्यों, खरीदने की जरूरत ही क्या है। मैं कभी भी डिशवॉशर में बर्तन लोड करने से पहले उसे वॉश नहीं करती हूँ। वेस्ट फूड आइटम डस्टबिन में डालने के बाद यूटेंसिल्स डिशवॉशर में लोड कर दें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर रखा हुआ बर्तन इस तरीके से सूख भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है।
डिश वॉशर का एक ड्रॉबैक भी है, ये जला हुआ यूटेंसिल्स वॉश नहीं कर सकते। तो अगर आपकी कढ़ाई जल गया है या फिर चाय की बर्तन, आपको पहले रैप करने के बाद ही उसे डिश वॉशर में लोड करना पड़ेगा। बोला जाता है कि अगर आप यूटेंसिल्स रेंज नहीं करेंगे तो आपको बार बार फिल्टर क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं मंथली एक बार इसे क्लीन करती हूँ, वो भी अगर ज़रूरत पड़े तो। ये फिल्टर मैंने लास्ट 1.5 महीने से क्लीन नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये गंदा भी नहीं है और इसमें कुछ फंसा हुआ भी नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर इसमें बर्तन लोड करें, किसी भी तरह की प्री रेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मुझे तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर प्रॉब्लम है तो मुझे जितना पता है कि आपको ना अलग से कोई वाटर सॉफ्टनर यूज करने की जरूरत नहीं है। टैबलेट के साथ आप थोड़ा सा सॉल्ट यूज कर लीजिए, मतलब टेबल सॉल्ट नहीं, ये डिश वॉशर के लिए जो डेडिकेटेड सॉल्ट है वो यूज करना है। और अगर आप सॉल्ट अलग से यूज करते हो तो आपको ये सॉल्ट बार बार फ्रीक्वेंटली रिफिल करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत सॉल्ट की जो कंजम्पशन है वो ज्यादा होगा और आपका हार्ड वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अलग से वाटर सॉफ्टनर या दूसरा कोई चीज यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि अगर हार्ड वाटर प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो डिश वॉशर खरीदने से पहले एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर ले लेना। अगर डिश वॉशर ले लूंगी तो मुझे हाथ से और कोई बर्तन वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, आपको हाथ से भी बर्तन वॉश करना पड़ेगा। जैसे कि ये कढ़ाई मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए यूज की थी, अभी लंच के लिए भी चाहिए तो मैंने इसे ऐसे ही धो लिया। थोड़ा सा बर्तन के लिए दिन में बार बार डिशवॉशर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 5-10% बर्तन हाथ से ही वॉश कर लेंगे तो दिन में एक बार मशीन लगाने से ही सभी यूटेंसिल्स क्लीन हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कंट्रोल में रहेगा। मैं दिन में एक बार मशीन रन करवाती हूँ और डिशवॉशर के लिए मुझे मंथली 200-300 rupees एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ता है। मैं पूरे दिन के बर्तन एक साथ क्लीन करती हूँ, मशीन में थोड़ा थोड़ा करके बर्तन लोड करते जाती हूँ और लंच के बाद मशीन लगाती हूँ। जब आप यूटेंसिल्स मशीन में लोड करें तो मशीन के डोर पूरा बंद ना करें, इस तरीके से आप बैड स्मेल अवॉइड कर सकते हैं। और अगर कोई भी फाउल स्मेल आ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटर्जेंट टैबलेट की खुशबू से सारे बैड स्मेल चली जाएगी। तो शाम की चाय से लेकर नेक्स्ट डे लंच तक मेरे घर में इतने सारे बर्तन इकट्ठा होते हैं जो कि मशीन में इजिली लोड भी हो जाता है और इजिली वॉश भी हो जाता है। वॉशिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप जब इसे ओपन करेंगे तो एक गर्म स्टीम निकलता है, क्योंकि यूटेंसिल वॉश करने के लिए हॉट वाटर यूज किया जाता है। तो इस समय डिश वॉशर का डोर थोड़ा सा ओपन करके छोड़ दें। अगर डोर थोड़ा सा ओपन करके नहीं रखेंगे तो ये जो स्टीम है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और बर्तन के ऊपर रह जाएगा, तो आपको लगेगा कि बर्तन अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। मुझे पता है कि आप अभी तक सोच रहे हो कि 10 मिनट के काम के लिए एक 50,000 की मशीन की जरूरत क्या है, उससे कम में तो मेड मिल जाएगी। मशीन इतनी महंगा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, डिटर्जेंट के लिए खर्चा, ये सब अलग से, ये कोई मतलब ही नहीं है, है ना? आप सोच रहे हो ना, डिश वॉशर खरीदने से पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन ट्रस्ट मी, डिश वॉशर खरीदने के बाद और उसे एक साल यूज करने के बाद मुझे लगता है कि मैं जितना भी इन्वेस्ट कर चुकी हूँ ना, उसमें से डिश वॉशर मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मेड तो आप रख ही सकते हो, लेकिन उसके टैंट्रम झेलना कभी कभी बहुत ही इरिटेटिंग हो जाती है। दिन में एक बार आएगी और बाकी के टाइम बर्तन आपको ही साफ करना पड़ेगा। और अगर आप पूरे दिन का बर्तन एक साथ उसके लिए रख देते हो तो आई एम श्योर कि वो नेक्स्ट डे से और नहीं आएगी। डिश वॉशर कभी भी चिट्ठी नहीं लेगा और आप उसमें जितना भी बर्तन वॉश क्यों ना कर ले वो कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो मेरे से छुटकारा पाने के लिए और खुद को थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए आप एक डिश वॉशर जरूर ले सकते हो। और डिश वॉशर खरीदने के बाद आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। तो अगर आपका बजट परमिट करता है आप अभी से थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करना स्टार्ट करो। देखिए, ये तो फरवरी है और दिवाली है नवंबर में, तो ये 9 महीने में आपके पास अच्छा खासा सेविंग्स हो जाएगा और दिवाली पर आप खुद को एक डिशवॉशर गिफ्ट तो कर ही सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू विद अ न्यू वीडियो नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।